फैसल, सबसे पहले तो आप दोनों को जुमतुल विदा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन को। बादशाही मस्जिद के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है, जो कि जुमतुल विदा के लिए यहाँ पर आई है। और अब से कुछ देर बाद ही नमाज जुमा जो है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जो कि खतीब भी हैं बादशाही मस्जिद के और चेयरमैन भी हैं मरकज़ी रुअत हलाल कमेटी के, वो जो वो इस वक्त खुतबा दे रहे हैं। और उन्होंने अपने खुतबे में ज़िक्र किया है मजहबी हम आहंगी का, साथ ही साथ जो फ़लस्तीन के और कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए ज़िक्र किया है, उनके लिए अपील की है कि तमाम मुसलमान जो उनको सुन रहे हैं उनके लिए ख़ास दुआएं करें। बादशाही मस्जिद के अलावा भी लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो जुमतुल विदा के छोटे बड़े इजतमात जो है वो उनका इनेकाद किया गया है। यहाँ पर भी फैमिलीज़ की भी, ख़वातीन की भी कसर तादाद जो है वो बादशाही मस्जिद में आई है नमाज जुमा अदा करने के लिए। जी ठीक है, अब ज़रा क्वेटा का रुख करते हैं और मुजीबुल्ला हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, बताइए यहाँ पर क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रिंस रोड पर वाकिया मस्जिद सफ़ीर के बाहर। यहाँ पर इंतजाम कुछ यूँ देख रहे हैं कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया है, तमाम जितने भी नमाजी हैं वो मस्जिद के अंदर जब जाएंगे तो उन्हें वॉक थ्रू गेट से ही गुजरना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कसीर तादाद जो है वो नमाजियों की जुम्मतुल विदा के मौके पर जो है ना वो मसाजिद का रुख किए हुए हैं, और मसाजिद में एक कसीर तादाद उन नमाजियों की है जो यहाँ पर नमाज के लिए पहुँचे। और हमने देखा कि उलमाए कराम जहाँ जहाँ नमाज जुम्मा अदा कर दी गई है वहाँ पर उलमाए कराम ने जो है वो मुल्क को कौम की अमन, कौम की अमन व सलामती और खसूसी तौर पर जो सियासी कशमकश और की कैफियत मुल्क में पैदा है उसके हल के लिए और मुल्क में इस्तेहकाम के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की गई है, और मुल्क में भाईचारे और अमन अच्छी के फरोग के लिए जो है ना वो दुआएं मांगी जा रही है। इसके अलावा इमाम बारगाह कला में जो है वो जो है जुम्मतुल विदा और जो है वो यहाँ पर यौमुल कुद्स की मुनासबत से एक जलूस और रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें फलस्तीन में जो इसराइली जारियत और बर्बरियत है उसकी मजम्मत की गई है। और यहाँ पर जितने भी उलमाए कराम और उलमाए दीन मौजूद थे उन्होंने फलस्तीन में जो इसराइल की जारियत है उसकी ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि ये इस अज़म का इजहार किया है कि वो फलस्तीन की किबला अव्वल की आज़ादी तक ये जद्दोजहद का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्वेटा शहर में जुमतुल विदा के मौके पर बाजारों में और दीगर मकामात पर जो खसूसी मकामात है, खासतौर पर जो सरकारी दफातर है और अहम मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस के 2000 से ज्यादा जो जवान है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है। इसके अलावा फ्रंटियर कोर का गश्त भी जो है वो मामूल से बढ़कर शहर में जारी है, स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, और अमन अमान के क्याम के लिए जो फोर्सेज हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जी।